हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं, हम एनएलएम कर रहे थे, एनएलएम के जो 31 ईयर वाले प्रॉब्लम्स थे उसको हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके आगे, जितने भी आप इसे पिछला लेक्चर देखे हो, ठीक है, वो सारे देख लेना और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, ये जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक मंकी है, ठीक है, मंकी एक वर्टिकल रोप पे चढ़ रहा है। ये वर्टिकल रोप है, ठीक है, इस टाइप का एक वर्टिकल रोप है, इस पे एक मंकी चढ़ेगा, ठीक है। एक वर्टिकल रोप है और इस वर्टिकल रोप पे एक मंकी यहां से चढ़ेगा, ठीक है। तो यहां से ऐसे मंकी ऊपर जाएगा इस रोप पे, क्लियर है। अगर ये मंकी देखो ऊपर जाना चाहता है, ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए इस पे नेट फोर्स अपवर्ड होना चाहिए। ये कहता है खुद मंकी का मास 20 kg का है, जो मंकी है वो 20 kg का है। और जो मैक्सिमम टेंशन, मतलब एक देखो हर एक रोप होती है, स्ट्रिंग होती है, एक मैक्सिमम टेंशन के बाद तो टूट जाएगी ना भाई। इसमें जो मैक्सिमम वेट मैं 25 जो मैक्सिमम मास है वो 25 kg लगा सकता हूँ। अगर ये मंकी 25 से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये नीचे आ जाएगा, स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो ये जो मैक्सिमम टेंशन है उसमें वो 25 kg, ठीक है, 25 kg का मास सपोर्ट कर सकता, मतलब 250 न्यूटन, 250 न्यूटन इसमें मैक्सिमम टेंशन है, ठीक है, मतलब इससे मैक्सिमम टेंशन 250 न्यूटन सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद मंकी कैन क्लाइंब, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है। तो मंकी ऊपर क्यों जाएगा भाई, कैसे जाएगा, जब ऊपर फोर्स लगेगा तो ऊपर कैसे फोर्स लगेगा। तो मंकी पे, मंकी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये रहा मंकी और ये रहा मंकी के हाथ और पैर जो भी है ये। अब इस मंकी पे जो टेंशन लगेगा वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा और खुद इसका वेट mg डाउनवर्ड लगेगा। अब अगर ये एक्सेलरेट करता है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है, तो ऑब्वियसली टेंशन अधिक होगा और mg कम होगा, ठीक है। टेंशन ऊपर क्यों लगेगा, देखो ध्यान से समझो इसको, जैसे रोप है, रोप को मैं पकड़ के नीचे खींचा तो मैं जो है वो फोर्स नीचे लगाया तो रोप मुझे ऊपर खींचेगा तो मैं ऊपर जाऊंगा। तो इस तरह से मंकी रोप को नीचे खींचा तो रोप ने मंकी को ऊपर खींचा और वो टेंशन टी से ऊपर जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलो, अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से इसका इक्वेशन लिखूँ तो T-mg दैट इज मास ऑफ द मंकी और एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी, ये एक नॉर्मल इक्वेशन है। हमें चाहिए इसमें एक स्पेशल केस, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम तभी होगा जब टेंशन मैक्सिमम होगा, तो टेंशन मैक्सिमम माइनस mg और एक्सेलरेशन मैक्सिमम, दिस इज द फाइनल इक्वेशन, ये फाइनल इक्वेशन। अब इसमें वैल्यू डाल दो, मैक्सिमम टेंशन कितना सपोर्ट कर सकता है स्ट्रिंग, 250 न्यूटन, मास ऑफ द मंकी 20 है, जी से मल्टीप्लाई गई है 200 न्यूटन और ये आ जाएगा 20 एक्सेलरेशन मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, जो मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी दैट इज वो 50/20 आ जाएगी, मतलब वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज डी ऑप्शन सही है ना, समझ में आ गया। चलो,